बहुत अव्वल शुक्रिया रही वक्त देने का। बताइए कि आपने इतना जमा किया था, वजूहात क्या बताइए रिजेक्शन का, और अभी क्या रिस्पॉन्स है? बहुत से मामूली उनकी ऑब्जेक्शन थी। एक तो ये थी कि बलूचिस्तान हाउस में हमने जो है ना वो कोई 12,000 आया या 16,000 जो है ना वो उसकी आउटस्टैंडिंग है, वो हमने जमा किए थे, लेकिन शायद इन्होंने नहीं पूछा था। और इस तरह बिहार की हैं, 40,000 रुपये उधर जमा हैं, लेकिन उन्होंने 18,000 रुपये लाए थे। बहुत मामूली चीज़ें हैं, लेकिन उन्होंने उधर फर्दर महकमा है उनसे नहीं पूछा गया। मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान हाउस में जो पैसे आउटस्टैंडिंग है वो हमने जमा किए, लेकिन उन्होंने नहीं पूछा कि भाई इनकी आउटस्टैंडिंग जमा हो गए या नहीं हुई। तो ऐसी बुनियादों पे रिजेक्शन हुई हैं जिनके मतलब बुनियादी तौर पर तुक नहीं बनता, तो ये नहीं होना चाहिए। बहुत बड़े पैमाने पे फिर स्कूटनी के बाद ही हुए हैं। पहले तो ये था कि स्कूटनी जब हो जाते थे उसमें जो भी रिजेक्शन थी या जो भी मसला था तो वो उसी दिन होते थे, लेकिन इसने इस दफ़ा उन्होंने स्कूटनी के बाद उन्होंने रिजेक्शन किया। तो ये थोड़ा सा अपने हलके के बारे में बताइए और साथ में ये भी बताइए कि ओवरऑल रिजेक्शन हुई है, खास तौर पे जो एक पार्टी को बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया और बहुत सारे ऐसे रिजेक्शन सामने आ रहे हैं जो बहुत मामूली से, तो इसके पीछे वजूहात आप क्या नजर आ? मतलब जैसे हमारी पार्टी है इसमें तकरीबन 50% हमारी रिजेक्शन हुई, मतलब पीटीआई की भी रिजेक्शन बहुत ज़्यादा हुई है, बल्कि उनकी लीडरशिप का भी हुआ है। तो ये एक अच्छा शकून नहीं है। इलेक्शन कमीशन का जो बुनियादी रोल है वो इन चीज़ों पे फोकस होना चाहिए था कि कोई शफाफ और ट्रांसपेरेंस इलेक्शन होना चाहिए। उसने पहले दिन से जो उन्होंने एक रास्ता लिया जो कि कोर्ट के बुनियाद पे उन्होंने इलेक्शन ऐलान किया, इलेक्शन कमीशन ने खुद अज खुद इलेक्शन ऐलान नहीं किया, बल्कि कोर्ट की जोर पे या कोर्ट की कहने पे उन्होंने डेट दे दी है। तो इस पे लोग हाथ उठाते हैं कि इलेक्शन किधर आज़ाद हुआ, इलेक्शन कमीशन कब आज़ाद हुआ? तो एक इलेक्शन कमीशन जो पाकिस्तान की आईन ने और असम्बली ने उसको अख्तियारात दिए हैं कि वो अपने अख्तियारात इस्तेमाल करें, वो आज़ाद खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन है, तो वो अपने अख्तियारात खुद इस्तेमाल करें, वो क्यों अपने अख्तियारात को दूसरों के हवाले करते हैं? तो इसलिए जो है ना इलेक्शन कमीशन को इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि भाई लोगों को कम अज़ कम ये मौका ना मिले। आपका हल्का कौन सा था, उसके बारे में बताइए कि उसकी हालत या उनमें किन बुनियादी जरूरियात की कमी है जो आप सोचते हैं? मतलब मैं क्वेटा से पी बी 41 से पुश्तूनाबाद शालदरा का हल्का है, इससे लड़ रहा हूँ। उनका बुनियादी तौर पे ये जो 2013 के बाद तीन हिस्सों में तकसीम हुआ, अभी फिर एक बड़े जदोजहद के बाद वापस एक हल्का बन गया, लेकिन उसका बुनियादी तौर पे बहुत से मसाइल हैं। और सबसे बड़ा मसला तो क्वेटा शहर का मास्टर प्लान का है, क्वेटा शहर का पानी का है, पानी नहीं है क्वेटा शहर में, वो सीवरेज सिस्टम नहीं है, पारानी आप निकासी आपकी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है क्वेटा शहर में। क्वेटा शहर में ट्रैफिक का सबसे बड़ा मसला है। तो ये मजमू तौर पर क्वेटा शहर में जो मसाइल हैं वो इन चीज़ों पर हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम इन चीज़ों पर हमारी फोकस है, हमारी पार्टी का बुनियादी तौर पर मंशूर भी यही है कि हम इंशाल्लाह ताला जो हमारे यहाँ पे जो बुनियादी मसाइल हैं जो हमारी पानी का है, बिजली का है, गैस का है, रोड का है, नाली का है, और इसी तरह हमारे शनाख्त कार्ड का है, शनाख्त कार्ड की मसला होते हैं, हमारे बुनियादी तौर पर मसाइल स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, वहाँ पे ज़मीनें नहीं हैं, हमारी स्कूलों की तादाद बच्चों की ज़्यादा है, वहाँ पे स्कूल नहीं है। तो ये जो है ना ये चीज़ें हमारी इलेक्शन मंशूर की फोकस है। मेहरबानी।